नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एंड अंकित हैव सेम आईक्यू 120, ओके, इसलिए सानू कागज चाहिदा है, तुसी कागज दा इंतजाम पहला तो कर लो। इत्थे मैं बोर्ड ले आना हाँ, बोर्ड नू थोड़ा छोटा इधर कर लेंगे, यस, और ये भी नू छोटा कर लेंगे, यस। रमेश ते अंकित इत्थे लिखिया सी, रमेश आर पूरा नहीं वर्तना, अंकित, ठीक, दोनों का आईक्यू कितना है, आईक्यू 120, ओके। रमेश इज 2 years यंगर देन अंकित, रमेश अंकित नालो छोटा है 2 साल, अंकित 12 साल का है, अंकित एज 12 साल, अंकित की एज 12 साल है, अंकित 12 साल, इट मीन राकेश 10 साल का होया, 2 साल छोटा है, ठीक। क्वेश्चन की पूछा गया है, देन मेंटल एज ऑफ इफ अंकित इज 12 years, अंकित इज 12 years, देन द मेंटल एज ऑफ रमेश, मेंटल एज ऑफ रमेश की है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। सिंपल असी जानते हाँ, साढ़े को फिजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज आ चुकी है, सॉरी, ठीक। फार्मूला की है एम ए मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज, फिजिकल एज साढ़े को आ चुकी है, इनटू 100 असी करना है, बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पैन की कोई जरूरत नहीं है। सानू पूछी गई है रमेश दी मेंटल एज, ठीक, रमेश की फिजिकल एज कितनी है 10, ओके, इनू 100 ना करना है तो इतने 120 आना चाहिए है, सिंपल है कि इतने जो 12 लिख दे हाँ 120 आ जाता है, ठीक। एनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पैंदी, सीधा जे असैसमेंट ना तुहानू पता लगता है कि जल्दी कई बार कैलकुलेशन हो जाती है माइंड विच, तो तुसी सीधा आंसर 12 ते पहुंच जाना है। मैं ये दस दूं कि आईक्यू दे रिगार्डिंग बड़े ही क्वेश्चन जिहड़े छोटे छोटे बड़े आसानी नाल ले जा सकते हो, इत्थे नाल डिस्कस कर लैने हां, कुछ रिवीजन कर लैने हां, इहनू छोटा कर देने हां, ओके, ये भी छोटा कर दईए, वड्डा कर लैने हां, ओके, बोर्ड नूं। मेंटल एज दा कंसेप्ट किसने दित्ता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिने, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बिने, फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट बिने, ओके, कदों इंटेलिजेंस टेस्ट दिता गया, एक क्वेश्चन है, तीजा हो गया क्वेश्चन, 1905 वर्ल्ड का सब तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनिया। अच्छा, उसकी नेचर की सी, क्लासीफिकेशन है वर्बल नॉन वर्बल ते परफॉर्मेंस, 3 तरह के टेस्ट होंगे, मैं अगे जाके दिखा देना हाँ, ये नोट कर लेना सारा कुछ। वर्बल टेस्ट हो गए, बिने का जड़ा टेस्ट सी वर्बल टेस्ट सी, वर्बल टेस्ट का मतलब है कि बोलना पेगा जा किसी खास भाषा का ज्ञान चाहिए है जिसने टेस्ट देना है, एग्जामिनी है, टेस्टी है, ठीक है, स्टूडेंट इतने कह सकते हो। तीसरा शब्द मैं इंडिविजुअल क्यों लिया है, क्योंकि टेस्ट दी एक होर क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, ठीक, एक डायग्राम देखते हैं उस तो सारा क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल टेस्ट वो है जिहड़ा एक टाइम ते एक एडमिनिस्ट्रेटर, मान लो मैं एक जने ते ही लगा सकता, ठीक, दो या दो तो वध जने ते ग्रुप ते नहीं लगा सकता, ठीक, जिहड़ा ग्रुप ते एक वक्त ते लगा सकते हैं उसनू ग्रुप टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि बिने साइमन का टेस्ट छोटिया छोटिया आइटम से बच्चे नू पूछना पैंदा सी, बेटा ये की है, 3 + 2 किन्ने हन, ठीक, ते बच्चे नू पूछांगे इको वक्त, मैं ग्रुप नू नहीं गल्लां पूछ सकदा, बच्चा इशारा करके दसदा सी नोज इत्थे है, असीं भी छोटी छोटिया गल्लां करदे हां, इसलिए बहुत छोटी एग्जाम्पल दे रहा हाँ। सो ये इंडिविजुअल बच्चे नू पूछा जा सकता सी, तो दूसरा बच्चे नू भाषा का वह वाली का ज्ञान होना चाहिए जिहड़ी तुसी पूछना चाहुंदे, नैचुरली तुहानू बच्चे की भाषा का ज्ञान होना चाहिए है, भाषा का ज्ञान जरूरी है, इसलिए वर्बल टेस्ट,
और इकल्ले एक बच्चे पे ही एक टाइम पे लग सकता है, इसलिए इंडिविजुअल टेस्ट, वर्बल टेस्ट तो और क्वेश्चन बन सकते हैं जिन्हों कल्चर फेयर टेस्ट, ओके कल्चर फ्री टेस्ट भी किया जाता है जो असं अगे जाके करते हैं। जो नॉन वर्बल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट है जिन्हों में किसी भाषा के शब्दों की जरूरत नहीं पैंदी, उसनों कल्चर फ्री या लैंग्वेज फ्री या कल्चर फ्री टेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी एग्जाम्पल भी दे दिना है, रेवन का टेस्ट भी दिखा दिना, जो टेस्ट होंगे ने चलो दिखाई देना इतने ये टेस्ट है। इस टेस्ट विच की है कि बच्चे ने मैं कहना अगे जाके डिस्कस कर दें, पहला ये थोड़ा जा डिस्कस कर लीए। आई क्यू की टर्म किसने दिती है, स्टर्न ने, ये गल क्लीयर कर लीए, स्टर्न ने कदों दिती है, अगला क्वेश्चन बनता है 1912। अच्छा मेंटल एज नू स्टर्न ने फिर आई क्यू दे विच कन्वर्ट करता, मेंटल एज का कंसैप्ट इन्होंने दिता सी बिने ने वह लै लिया और आई क्यू का फार्मूला जिहड़ा असीं पिछे करके आए हाँ मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज है ना इंटू 100, ठीक है ये फार्मूला स्टर्न ने, ओके क्लासीफिकेशन बनती है। हुण ए है क्वेश्चन कि मेंटल एज कित्थों आउंदी है, मेंटल एज स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट तों आउंदी है। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की हुंदा है, इहदे बारे थोड़ा जिहा जान लईए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की यह एग्जाम्पल है तुहाडे सामने, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट जिहड़ा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेस्ट है। यह जनरल फैक्टर नूं जिहड़ा स्पीयरमैन ने एस ते जी फैक्टर दिता सी उसके जनरल फैक्टर नूं मेजर करता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यह किदां बनता है, फॉर एग्जाम्पल इहदे विच यह आइटम्स ने डिजाइन इस तरह के होंगे, ओके ये डिजाइन ने एक मिनट शीट है जिस ते बच्चे ने अपना नाम बायोडाटा ब्रीफ विच लिख देना है, कॉलम बने हुए है, क्वेश्चन नंबर केड़ा केड़ा क्वेश्चन नंबर है, ते जदों ही तुसी ओ क्वेश्चन नंबर देखना है टेस्टी ने देखना है। ये डिजाइन दिता हुआ है, डिजाइन दे विच एक पार्ट मिस है, एक पार्ट मिस है, ते उसने छे ऑप्शन दित्तियां गईयां हन, छे ऑप्शन चो एक ऑप्शन जेड़ी सब तो सूटेबल या राइट आंसर है वो बच्चे ने दसना है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे एक है, फिर मैं इत्थे फिल कर देना है आंसर एक, ओके इसे तरह अगे अगे बढ़ जाना है। इसकी एक नेचर है कि पहला बड़ी आसान आइटम है, पहली आइटम का आंसर लगभग सारे जने दे देंगे, लेकिन जिदा जिदा तुसी अगे वधोगे तुसी देखना कि अगलिया आइटम का जवाब देना औखा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल B9 10 सैट दे इस विच चलो टोटल 60 आइटम्स ने, ठीक लेकिन बिने दी जड़ी कैलकुलेशन है मेंटल एज, असि मेंटल एज भी समझ रहे हैं, मेंटल एज है कि किसी इंटेलिजेंस टेस्ट तो आया हुआ स्कोर, वो स्कोर किदां आंदा है, क्वेश्चन होंदे हैं, क्वेश्चन इत्थे डिजाइन विच हन, इत्थे भाषा विच नहीं हन। इत्थे मैं नाम नाल एग्जाम्पल तुहानूं नॉन वर्बल टेस्ट दी भी दे रहा हाँ, नॉन वर्बल टेस्ट ही कल्चर फ्री कल्चर फेयर टेस्ट होंदे ने। सो कई आंसर इस विचों बनते हैं, सीधा रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि पेपर सेट में शायद आज तक ना पूछा होवे क्योंकि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड टेस्ट है। मैं अपनी पीएचडी विच भी ते मेरे को जो स्टूडेंट कर रहे हैं ये प्रेफर करना हाँ टेस्ट, ओके ये डिजाइन मान लो डिजाइन देना है ए वाला पार्ट मिस है, सो ये डिफिकल्टी लेवल मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वल ए बढ़ता है, जिवें टीचिंग विच असीं मैगजीन करते हाँ कि आसान तो शुरू करके औखे वल बढ़ना चाहिए है। इहदा कारण की है क्योंकि इंटरस्ट बनिया रहिंदा है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ते ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, हर एक शख्स ते जिसते भी लगना है उसने सारे ए क्वेश्चन जड़े ने उन्हां दे आंसर देने हैं। इट मीन स्टैंडर्डाइज टेस्ट किहड़े हुंदे है कि सेम क्वेश्चन दे आंसर ही सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने देने होंगे। दूसरा आंसर भी इहदा नाल दिता कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की होंदा है कि जिहड़ा 2, 4, 5, 7, 8 बच्चों ते नहीं लगता, ईवन हजारां बच्चों ते सैकड़े बच्चों ते लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ते सैंपल ते ये अपलाई होंदा है।
तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इहदा प्रोसीजर बहुत वखरा हुंदा है ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਟੈਪ ਲਿਖੇ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣੀਆਂ ਆਈਟਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਈਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਦੀਆਂ 100 ਆਈਟਮ ਕੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਈਟਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ 100 ਦੇ 100 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਈਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋ ਆਈ ਕਿਊ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਆਈਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾਈਆਂ ਆਈਟਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਡੀਪੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਲੇ ਔਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਆਈਟਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਆਈਟਮ ਘਟੀਆਂ ਆਈਟਮ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਆਈਟਮ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 60 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ 60 ਆਈਟਮ ਬਚੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200-300 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸਕੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਕੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨ ਸਕੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ 100 ਠੀਕ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨ ਸਕੋਰ ਆਇਆ 102 ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕੋਰ ਆਇਆ 100 ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਇਆ 122 ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੈ ਗੈਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਕੇਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈਟਮ ਜੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਡ ਆਈਟਮ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦਾ ਸਕੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 50 ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ 50 ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੋਰ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ
ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਕੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਰੈਂਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 80 ਠੀਕ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਜਿਹਦਾ 50 ਸਕੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 80% ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ ਤੇ 20% ਲਗਭਗ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ एक परसेंटाइल रैंक भी मैं एग्जांपल देती है लेकिन बिने साइमन ने केड़े डिवीजन कीतिया सी ओ असी देख लिए इत्थे देखो एक क्लासिफिकेशन जो मान लो तोड़ा असी एक क्वेश्चन केड़ा करे सी आईक्यू कैलकुलेशन दा आईक्यू कैलकुलेशन विच मेंटल एज टेस्ट दे नाल कढ़ ली है और टेस्ट बारे असी जाना है हां क्रोनोलॉजिकल एज सानू पता है असी इनटू 100 करके ओ एक स्कोर साडे कोल आ गया मान लो 120 आ गया 75 आ गया 80 आ गया 20 आ गया कोई भी स्कोर आ गया वो आईक्यू है आईक्यू दी डिवीजन कई जानिया ने कीती है बिने ने भी कीती है इत्थे मैं लेविन एंड मार्क्स दी 1928 दी आईक्यू दी क्लासिफिकेशन रख रहा हां क्यों क्योंकि इदे विच्चो वधेरे क्वेश्चन पूछे जांदे ने ए शब्द बच्चे पूछा जांदा है कोई शब्द इस तरह लिखा जांदा है ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਈਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ 110 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਵੈਸੇ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਡਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 75 ਟੂ 84 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EMR TMR ਸੌਰੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ EMR TMR CMR EMR ਐਜੂਕੇਬਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ TMR ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जिहड़ा है CMR कस्टडियल मेंटली रिटार्डेड जिन्हां नूं पूरी केयर दी ही जरूरत पैंदी है ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ TET ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਰੂਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MBCL ਹੈ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ 25 ਟੂ 49 ਜਾਂ 50 ਓਕੇ ਬਿਲੋ 24 ਈਡੀਅਟਸ 3 ਈਡੀਅਟਸ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀਅਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੋ ਬੂਮਰਸ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨ ਲਾ ਲਓ ਡਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨੇ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਟੀਆਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਅੱਛਾ
बैटरी का की मतलब है, क्वेश्चन इवन यूजीसी नेट विच भी आ जाता है। भाटिया बैटरी जड़ी है पांच सब स्केल, फाइव सब स्केल, सब टेस्ट नो मिलके बनी हुई है। इहदे विच बच्चे ने कुछ ब्लॉक्स होंदे ने, ब्लॉक्स नू मैनिपुलेट करना है, वह डिजाइन दिता दिखाया जाता है देख ते कुछ वुडन ब्लॉक्स ने उसनू वो मैनिपुलेट हुण कर सकता है। वो मैनिपुलेट क्योंकि कर सकता है, अपने डिजाइन मुताबक इधर छेड़ सकता है, कलर बदल सकता है, उसनू ए ब्लॉक नू चक के जिथे मर्जी ले जा सकता है, उस प्लेट दे विच ही उसने सब कुछ करना हुंदा है। सो वो इत्थे की है, उसनू कोई डिजाइन दे के उहदे विच टिक करन नू नहीं किया, उसनू कुछ क्रिएट बनाउण नू किया गया है, जो डिजाइन दिखाया उस तरह का खुद बनावे। सो ऑब्जर्वर जेड़ा है ये उसनू ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि किन्ना पजल हुंदा है, किन्ना घबरांदा है, किन्नी जल्दी सॉल्व करता है। टाइम हर आइटम का नोट किया जाता है, एक प्रॉब्लम दिती जाती है, टाइम नोट किया जाता है। इस तरह पांच सब टेस्ट ने बैटरी किस नू कहिंदे हन। जे क्वेश्चन आ जाए जिस टेस्ट विच सब टेस्ट होर उसके छोटे छोटे पार्ट हो उसनू बैटरी कहा जाता है। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल भाटिया बैटरी है। इसनू नॉन वर्बल टेस्ट विच भी रखा जाता है, उसकी एक वक्री वरायटी है, लेकिन एग्जैक्ट नाम इहदा परफॉर्मेंस टेस्ट ही है। अच्छा दूजे पासे, अच्छा ये भी क्योंकि एक जने नू मैं डिजाइन दिखाया है तो उस नू बना रहा है, मैं एक जने नू डिजाइन दिखा रहा हाँ तो बना रहा हाँ, तो इस तरह मैं दस जने नू भी जने नू डिजाइन दिखावा तो बना, मैं नाल नाल ऑब्जर्व सारे नू नहीं कर सकता, उन्हां दा टाइम रिकॉर्ड करना है स्टॉप वॉच लैके, इसलिए मैं एक जने ते ही ये कर सकता हाँ। दैट इज वाई ये इंडिविजुअल टेस्ट दे विच आउंदा है। पर इस तरह वर्बल टेस्ट जिहड़ा इंडिविजुअल भी हो सकता है, वर्बल टेस्ट ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट ऑलवेज इंडिविजुअल होएगा। ठीक, सिर्फ जे पूछा जा रहा है किहड़ा टेस्ट सिर्फ इंडिविजुअल होएगा तो परफॉर्मेंस टेस्ट होंदा है। दूसरे पासे जिहड़ा है वर्बल ग्रुप टेस्ट है, इस दीआं एग्जाम्पल साडे कोल कई हन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया दे विच CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर, ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दा नाम भी वैसे मैच कर रहा, वैसे उहदा टेस्ट नहीं होना, ते एप्टीट्यूड टेस्ट बनिया सी जिहड़ा आपां थ्योरी पढ़ी सी थर्स्ट ऑन दी। ओके, ए बाय जलोटा, ए बहुत पॉपुलर टेस्ट रहा है अपने, बहुत ज्यादा ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रयाग मेहता। सो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट ने, इन्हां चो भी पूछा जा सकता है। इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट थर्ड एडिशन SK कुल 17। सो इन्हां दे नाम ते वैसे इन्ने इदा इस तरह दे क्वेश्चन पूछे नहीं है, UGC च पूछे जाते ने, पर हाँ एग्जाम्पल लई कि ए वर्बल ग्रुप टेस्ट ने। ठीक, ते लास्ट है साडे कोल नॉन वर्बल टेस्ट। इस दी गल करनी बनती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं जेडी एग्जाम्पल देके आया हाँ जिहदे विच डिजाइन है, और इस दी बेस्ट एग्जाम्पल रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट। ठीक, ये गल असीं पिछे कर रहे हैं, ये इस दी एग्जाम्पल है नॉन वर्बल टेस्ट भी। ठीक, ये ग्रुप भी हो सकता है, ये ते जिहड़ा ग्रुप ते लगता है वो इंडिविजुअल ते लग ही सकता है। सो ये इंटेलिजेंस टेस्ट बारे काफी लंबी चौड़ी गल हो गई अपनी, वापस चलते हाँ। इस क्वेश्चन तो सो मेरे ख्याल च लगभग जे तुसी सारा नोट किया होवे ते इस सारे वीडियो विच मिनिमम 50 क्वेश्चन, मैं वैसे चाहा तो 200 क्वेश्चन बना दा, 300 क्वेश्चन बना दा, लेकिन 30-40-50 क्वेश्चन आराम नाल बन रहे हैं। जे इनकी निकी इनफॉरमेशन तुसी